इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होने वाली है। मैं जानता हूँ मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं, मैं जानता हूँ कुछ कंटेंट क्रिएटर को भी बुरा लग सकता है, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नुकसान हो। पता है कभी कभी है ना, सस्ती चीज़ बहुत महंगी पड़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हम सस्ते के चक्कर में कभी कभी बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और कुछ चीज़ हमें बहुत महंगी पड़ जाती है, राइट? उसी तरीके से जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ई कॉमर्स बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस करना है, हमें माल बेचना है, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो उसमें हम सस्ता जो है इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है ना, बाद में जो चीज़ें उसकी महंगी पड़ने लगती है ना, उस बारे में नहीं सोचते हैं। उसी तरीके से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप डिसाइड करिए कि आपको किस मॉडल में उतरना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रीसेलिंग बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप सुन लेते हैं और रीसेलिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हैं या फिर आप करने की सोच रहे हैं, तो आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि इस बिज़नेस में आपको फ़ायदा होने वाला है या सिर्फ आप बैठे बैठे इंतज़ार करने वाले हैं कि आगे क्या होगा, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को एक बिज़नेस मॉडल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ रीसेलिंग बिज़नेस का। एक एग्जाम्पल के तौर पर, आप अपने ऑनलाइन बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि आप हमें कुछ प्रोडक्ट दीजिए, हम उससे ख़रीदना चाहते हैं आपसे और उसे सेल करना चाहते हैं। तब वो मैन्युफैक्चरर आपको ये कहता है कि आप हमसे माल खरीदिए मत, आप सिर्फ हमें, जैसे ही आप ये इमेजेस मैं आपको दूंगा, आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दो या फिर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे दो ये फोटोग्राफ, जैसे ही आपको ऑर्डर आता है आप हमें बोल दो, हम उसे पैक करके भेज देंगे और आप हमें उसका पैसा एडवांस में भेज देना और उसकी जो भी कुरियर चार्जेस है वो दे देना। आपको लगता है यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, हमें माल खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें जितनी इजी दिखती है उतनी इजी होती नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो है लिमिटेड इन्वेंट्री। देखो, आप जितने भी ये स्टेटस देखते हैं ना, जहाँ पर बैग होते हैं, बॉटल होती है, ग्राइंडर होता है, कुर्ती होती है, शर्ट होता है, शूज़ होते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं, फेसबुक पे भी जाते हैं, पेजेस पे देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के इमेजेस है, फिर उसके बाद आप नीचे लिखते हैं पीपी, यानी कि प्राइस प्लीज़, कोई आपको कस्टमर लिखता है पीपी, ठीक है ना, फिर आप कहते हैं ये 1499 की है, 1200 रुपये का है, 1100 रुपये का है। अब दूसरा जो सवाल कस्टमर पूछता है वो ये पूछता है क्या कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी 10 में से 8 से 9 लोग कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर पसंद करते हैं देना, ठीक है, वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, फर्स्ट टाइम ऑर्डर करेंगे तो कम से कम कैश ऑन डिलीवरी ही करते हैं। तब आप क्या कहते हो, नो, ओनली प्रीपेड। वहीं पर आपका आधा मार्केट कट जाता है, वहीं पर आपकी आधी सेल कट जाती है, आपके प्रोडक्ट को लेने से पहले वो सोचता है कि नहीं यार, अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है तो क्या होगा। फिर आप पूछते हो, चलो मैं प्रीपेड भी, कस्टमर पूछता है कि प्रीपेड भी दे दूंगा, मैं आपको एडवांस में पैसा दे देता हूँ, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो क्या आप रिटर्न लेंगे। तब आप कहते हैं या तो नो रिटर्न, कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, या फिर कहते हैं हाँ करवा देंगे। तो कौन बेयर करेगा उसको, कौन लेगा, कोई मैन्युफैक्चरर, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर कैश ऑन डिलीवरी के रिटर्न्स नहीं लेते हैं, अगर लेते भी हैं तो उनके बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर अगर आपको जूते बेचने के लिए रीसेलिंग बिजनेस में दे रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरर उन्हीं जूतों को कम से कम 50 रीसेलर्स को देगा, अलग अलग 50 रीसेलर्स को देगा, और आप बिना एड रन किए कितने लोगों को टारगेट कर लोगे, आप खुद सोच के देखो। आप अपनी फैमिली को बता दोगे, आप अपने दोस्तों को बता दोगे, उनको फॉरवर्ड कर दोगे, उससे ज़्यादा क्या, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, वहीं तक सीमित है। आप अपनी वेबसाइट भी अगर बना लोगे तो प्रमोट तो करना पड़ेगा ना बॉस, प्रमोट करोगे कैसे, क्या, किस प्रोडक्ट को। चलिए आपको 10 ऑर्डर आ गए, एक वाइट कलर के शूज़ के 10 ऑर्डर आ गए और आपके मैन्युफैक्चरर ने कह दिया यार अवेलेबल नहीं है, तो क्या करोगे, क्या वो बंदा कभी आपकी वेबसाइट पे आके वापस ऑर्डर देगा, क्योंकि आपने तो उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है, मैन्युफैक्चरर ने मना कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना इन्वेंट्री की, सबसे बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री की जो प्रॉब्लम है वो रीसेलिंग बिजनेस में होती है। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो, अगर आप अमेजोन पे सेल करते हो, अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो, तो वही प्रोडक्ट आप इन मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट उतना ही करोगे जितना आपके पास अवेलेबल है, राइट?
उन प्रोडक्ट को आप वेयर हाउसेस में, और ये मार्केट प्लेस आपके प्रमोशन कर रहे हैं ना ब्रांड की, आपके प्रोडक्ट की, तो ये मार्केट प्लेस प्रमोशन करेंगे। अब एक चीज रीसेलिंग करने वालों को शायद बुरी लग सकती है और उसको सिखाने वालों को भी बुरी लग सकती है, क्या कभी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, किसी बड़े स्टार्टअप पे, या किसी बड़े फंडिंग जो लेते हैं ब्रांड्स, राइट, या मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर शार्क टैंक इंडिया की बात करें, जो इंडिया का बिजनेस में सबसे बड़ा स्टार्टअप का फंडिंग का शो है, उसमें कभी कोई ब्रांड गया है जिसने कहा हो कि सर हमारा रीसेलिंग का बिजनेस है और हमने 1 करोड़ की सेल की है, ये हमारा रीसेलिंग बिजनेस करते हैं, फंडिंग मिलती नहीं है बॉस। आपने अपना ब्रांड बनाया नहीं बनाया, बोट कंपनी के मालिक ने अगर रीसेलिंग बिजनेस मॉडल चुना होता और वो किसी और के हेडफोन बेच रहे होते तो आज वो शार्क बन के नहीं बैठ रहे होते, आज इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं आ रहे होते। ये सब अपने ब्रांड बिल्ड करने पे लगे हुए, इन्होंने माल खरीदा है, छोटे से शुरुआत किया और बेचा है। दूसरी चीज आती है कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन कैसे, आपको मैंने एक उदाहरण दिया, एक मैन्युफैक्चरर आपको इमेजेस भेज रहा है, मॉडल की इमेजेस, शूज की इमेजेस, अच्छी अच्छी इमेजेस भेज रहा है। अब आप खुद देखिए वो क्या आप ही को भेज रहा है। अब ये टी शर्ट है, ओके, ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट को मैंने मैन्युफैक्चरर से लिया, मैन्युफैक्चरर ने मुझे ये टी शर्ट रीसेलिंग मॉडल में दिया, ठीक है ना, कि आप ये इसके इमेजेस के, इसके इस प्रोडक्ट के फोटो आप अपने स्टेटस पे डाल दो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो। मेरे जैसे 50 लोगों को ये टी शर्ट उसने दे दिया, 50 लोगों को ये टी शर्ट उसने दे दिया, ओके। अब एक बंदा इसको 500 रुपये में बेच रहा है, एक बंदा इसको 400 रुपये में बेच रहा है, एक बंदा इसको 250 रुपये में बेच रहा है, कोई इसको 650 रुपये में बेच रहा है। तो यार बायर देखेगा कि यार ये क्या मचा रखी है, एक तरफ तो आप इसको 250 में बेच रहे हो, एक तरफ इसको 600 रुपए में बेच रहे हो, इससे कैसे आप स्केल करोगे, इससे कैसे आप ग्रो करोगे, इस कंपटीशन को कैसे सस्टेन करोगे, आप मार्केट में कैसे टिके रहोगे, कब तक टिके रहोगे। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मीशो, जो पूरा इस बिजनेस मॉडल पे चल रहा था, उसने भी हाथ जोड़ दिए और इसको कम करके ई कॉमर्स बिजनेस में आ गया। वो उसने देखा भाई आगे बढ़ना है, फंडिंग लेनी है, पैसा कमाना है, तो इसमें ही आना पड़ेगा, इसी मॉडल में हमको बेनिफिट है, इसी मॉडल में हम ग्रो कर पाएंगे। उसने खुद सोशल कॉमर्स अपने जो है ई कॉमर्स वेबसाइट बना के और इसमें सेल करना, सेलर्स को इनबोर्ड करना और सेल करवाना चालू कर दिया। उसको मालूम था कि इस धंधे में इतना स्केल नहीं कर पाएंगे। थर्ड चीज़ मैं आपको कहूँगा, टाइम एंड एफर्ट। देखो इसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको, आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। कम्युनिटी कैसे बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको फेसबुक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इनवाइट करना पड़ेगा, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोवर्स लाने पड़ेंगे, आपको व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे लोगों को ऐड करना पड़ेगा। इतने एफर्ट अगर आप खुद के ब्रांड के लिए डाल दोगे ना, तो 3 साल के अंदर एक जमा जमाया बिजनेस आपको मिल जाएगा, एक जमा जमाया बिजनेस आपको मिल सकता है और आप उससे बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर सकते हो, बहुत बड़े लेवल पे। तो इसका कंक्लूजन इस प्रकार है गाइस, कि मेरा ये कहना है कि आप छोटे से शुरुआत करें, आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट मार्केट से ढूंढ के लाएं जो आपके पास रखें, ठीक है, अपने पास थोड़ा सा स्टोर करके रखें, फिर उसे लिस्ट करें, आप मीशो के ऊपर अपलोड करें, आप फ्लिपकार्ट के ऊपर उन इमेजेस को अपलोड करें, आप इंस्टाग्राम के ऊपर उन इमेजेस को अपलोड करें, आप अमेज़ॉन के ऊपर उन इमेजेस को अपलोड करें, उसे सेल करें, ऑर्डर आएगा, ये मार्केट प्लेस अपना कमीशन काटेंगे, आपको आपका पैसा देंगे, गेम ओवर। फिर थोड़े और प्रोडक्ट लाएं, फिर थोड़े और प्रोडक्ट लाएं, ऐसे करते करते अलग अलग चीज़ें अलग अलग कैटेगरीज में देखें, आपको पता चलने लग जाएगा कि किस प्रोडक्ट से, किस बिजनेस से या किस पर्टिकुलर कैटेगरी से हमें बेनिफिट हो रहा है, और फिर उसके अंदर उसको और थोड़ा सा ग्रो करने की कोशिश करें, उसको प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाने की कोशिश करें। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में बेनिफिट उठा पाएंगे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय खराब करेंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलना, और एट दी एंड आके आप अपने आप को कोसेंगे कि मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, मैंने रीसेलिंग बिजनेस भी करके देखा, मैंने ये भी करके देखा, मैंने वो भी करके देखा। मैं आपको कहता हूँ कि इस रीसेलिंग बिजनेस मॉडल में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट में रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर रहते हैं जो रीसेलर्स को अपना माल बेच रहे हैं। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप रीसेलर्स बना सकते हैं, उसमें आप बहुत स्केल कर सकते हैं, बहुत कमा। स्केल करने का मतलब क्या होता है, फैलाना, बड़ा करना। तो आप खुद देखिए, एक मैन्युफैक्चरर उसकी तरह सोच के देखिए कि मैं टी शर्ट बनाता हूँ तो मेरे पास अगर 100 रीसेलर या 1000 रीसेलर आ जाते हैं तो सोचो मैं कितने ऑर्डर प्रोसेस करूँगा। तो ये स्केलेबिलिटी मैन्युफैक्चरर के पास है, मैन्युफैक्चरर खुद रीसेलिंग नहीं कर रहा है, खुद नहीं बेच रहा है, वो रीसेलर्स को बेच रहा है। और आप रीसेलर की तरफ से देखिए कि आप खुद सोचिए, उस मैन्युफैक्चरर को बारे में सोचिए, मैन्युफैक्चरर आप जैसे कितने सारे सेलर को वही प्रोडक्ट बेच रहा है, तो मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है। पैसा बचाने की सोचेंगे तो पैसा कमा नहीं पाएंगे,
बड़ा बनाने की सोचेंगे तो पैसा कमा पाएंगे, और एल्स जहां हो वहीं रह जाओगे। ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो टारगेट ये रखो कि हमें ब्रांड बिल्ड करना है, हमें अमेजोन फ्लिपकार्ट और इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर प्रोडक्ट सेल करने हैं, हमारी खुद की वेबसाइट बनानी है, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है 10-20-30 हज़ार फॉलोवर, 50 हज़ार फॉलोवर, 1 लाख फॉलोवर लाने हैं। वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, हमारे वेयर हाउस में वो पैक होगा और हमारे वेयर हाउस से ही वो कस्टमर को डिलीवर होगा। यहीं से ट्रस्ट बिल्ड होगा। अदरवाइज मैन्युफैक्चरर क्या भेज रहा है, मैन्युफैक्चरर किन प्रोडक्ट्स को भेज रहा है, यू हैव नो आइडिया। कस्टमर लेने से मना कर देता है, रिटर्न हो जाता है, मैन्युफैक्चरर को आप फोन करते हो, कस्टमर कह रहा है प्रोडक्ट जो मंगाया था वो नहीं मिला है, कुछ और मिला है, मैन्युफैक्चरर कह रहा है मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। इस खिचड़ी में ही अटके हुए रह जाओगे और कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने वाली है, मैं जानता हूँ, मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं, मैं जानता हूँ कुछ कंटेंट क्रिएटर को भी बुरा लग सकता है, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नुकसान हो। एट दी एंड आपका पैसा है, आप ही को डिसाइड करना है कि आपको बिज़नेस ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है। एक प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट कैसे 50 लाख रुपए की सेल जनरेट कर सकता है। ई कॉमर्स बिजनेस में एक प्रोडक्ट 50 लाख रुपए की सेल कैसे जनरेट कर सकता है अमेजोन के ऊपर, साइड में वीडियो दिया, जरूर देखिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।